इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या हम जंग की तरफ तो नहीं जा रहे? आज सत्ता से सवाल में हम पूछना चाहते हैं कि क्या भारत डिप्लोमेटिक पॉलिसी में मुकम्मल नाकाम होता दिखाई दे रहा है? जब राहुल गांधी एक सवाल पूछते हैं कि क्या चाइना भारत की सरहदों में दाखिल हो चुका है, तो इस पर मोदी सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी को समझदारी से बात करनी नहीं आती? भारत चीन से बेहतर ताल्लुकात के लिए बातचीत से रास्ते हमवार कर रहा है। यही वो मोदी सरकार है जब विपक्ष में थी तब क्या क्या नहीं कहती थी। यहां तक कहा कि मनमोहन सिंह के कलेजे में दम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था हमें लाल आंखें दिखाकर जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त यह भी कहा था कि अगर चीन अपनी फौजी वापिस लेता है तो ले ले, पर भारत को वापिस नहीं लेना चाहिए। वैसे तो मोदी सरकार के जुमलों की लंबी फहरिस्त है, पर अब इस पर संजीदगी से सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब चाइना ने भारत के अफसर समेत यानी कि कमांडेंट समेत 3 फौजियों को शहीद किया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत के चाइना के फौजियों के मारे जाने की खबर नहीं है, पर भारतीय मीडिया कह रही है कि चीन के 4 फौजी मारे गए। सुरक्षा सलाहकारों का कहना है कि अगर सिर्फ भारत के ही फौजी मारे गए हैं और कमांडेंट अफसर को चीन ने मारा है तो यकीनन फिक्र की बात है। भारत चीन सरहद पर तनाव का माहौल है। भारत की मईशत बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है। कोरोना महामारी में दूसरे मुल्कों के मुकाबले कम मौतें होने पर और लॉकडाउन के फैसले को सही ठहराने की कोशिश कितनी भी कर ले, लेकिन सच्चाई यह है कि लॉकडाउन का फैसला जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, जिसकी वजह से सड़क पर चलते मजदूरों की तस्वीर ने देश को कलंकित किया। आज भी तिजारत कारोबार फैक्ट्रियां मुतासिर हो चुके हैं और कितने महीने या कितना साल लगेंगे इसका पता नहीं। इस साल बारिश के कहर के इम्कान भी है। रोजगार ना होने से नौजवानों में मायूसी है और उसी का नतीजा खुदकुशी की वारदातों में इजाफा होता नजर आ रहा है। भारत सरकार खासकर मोदी हुकूमत हर महाज पर नाकाम नजर आ रही है। खारजा पॉलिसी यानी विदेश नीति में नाकामी की इससे बढ़कर दलील क्या हो सकती है कि अब नेपाल आर्मी ने भी गोली चलाना शुरू किया है। हाल ही में चीन की तरफ से भारत के फौजियों को शहीद किया जा रहा है और ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक कई फौजियों को अपने कब्जे में भी रखा गया है। इसी तरह से नेपाल की हिम्मत भी बढ़ गई है। कोबरा पोस्ट के ट्विटर के मुताबिक बताया गया कि नेपाल आर्मी ने भारतीयों को अपने कब्जे में रखा है। 12 जून की खबर के मुताबिक कोबरा पोस्ट कहता है कि नेपाल भारत सरहद जो बिहार से सटी हुई है कुछ भारतीयों को कब्जे में लिया है। आखिर क्या बात है कि मोदी सरकार जो अपने 56 इंच के सीने के साथ हुकूमत में आई थी सिर्फ चुनावी जुमलों के साथ अवाम को गुमराह करती दिखाई दे रही। चीन कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान से मिलकर साजिश करने में लगा हुआ है। इल्मी माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि चीन बांग्लादेश को भारत के खिलाफ खड़ा कर सकता है। इस तरह से चीन बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान के जरिए भारत को कसने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा इसका तबसरा विदेशी मीडिया में होना शुरू हुआ है, पर क्या आज की तारीख में भारत को जंगनुमा हालात फायदेमंद है? जंग किसी भी सूरत में भारत के हक में बेहतर नहीं है। कहते हैं कि पिछले 40 सालों में इस तरह की हालत पहली बार आई है। इसका मतलब मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियां ही कहीं तो गलत साबित हो रहे हैं। भारत के अंदरूनी हालात हम बेहतर जानते हैं, पर वजीर आजम कभी मन की बात कभी टीवी पर बयान देने आते जाते रहते हैं। कोरोना महामारी का चुनावी अभियान भी चलाया जा रहा है। सत्ताधारी यानी इख्तदार पसीर हुकूमत चाहती है कि विपक्ष या मीडिया कोई सवाल ना पूछे। किसी फैसले को गलत साबित करना या सत्ताधारी को सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह तक कहा जा रहा है। कभी पहले भी आपने एनआरसी सीएए को लेकर एहतजाज किया है तो मोदी हुकूमत कभी भी आप पर मुकदमे दर्ज कर सकती है। आवाम परेशान है, पर अंधभक्त आज भी नमो नमो का नारा लगा रही है। अब फिर से चीन से जंग के बादल मंडरा रहे हैं। भारत अमेरिका पर भरोसा कर रहा है, पर गोरे लोगों ने हमेशा धोखे से काम लिया है। खैर, अब भाजपा मोदी हुकूमत इस जंगनुमा हालात और भारत की डूबती मईशत को कैसे संवारते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।